ओके हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है अक्षय। तो आज मैं आप टू राइड अ बाइक उसके बारे में जानकारी बताऊंगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाऊंगा राइड हाउ टू कंट्रोल अ बाइक। स्टार्ट करते हैं मेरे साथ दोस्तों, तो चलिए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है मेरी FZS वर्जन 3। ये अराउंड 150cc की बाइक है, विच इज़ अ परफेक्ट फॉर बिगिनर्स। हालांकि आप 100cc से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको एकदम बहुत ज़्यादा cc की बाइक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको कंट्रोल नहीं है अभी फ़िलहाल बाइक पे। तो चलिए मेरे साथ जान लेते हैं पूरा हाउ टू राइड अ बाइक एज बिगिनर्स, एंड साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा बाइक राइडिंग का। नॉर्मली आपको बैलेंसिंग आना चाहिए, बस दैट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि बाइक राइडिंग के लिए होता है, एंड क्योंकि आपको बैलेंस करना आना चाहिए होता है। बाकी डिफरेंस यही है बाइक और स्कूटी और साइकिल में, क्लच कंट्रोल। ऑल राइट, तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं हाउ टू राइड अ बाइक। तो पहला फॉरमोस्ट थिंग आपको चेक करना होगा, बाइक का कंट्रोल या मेंटेनेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं बाइक चलाने से पहले, या लॉन्ग टूर पे, इवन इफ शॉर्ट टूर पे जाने के लिए। पहले तो आपको टायर प्रेशर चेक करना होगा बराबर है कि नहीं। फ्रंट का नॉर्मली 28 PSI होता है एंड बैक का नॉर्मली 32 या 34 PSI होता है। कैसे बाइक पे हॉप ऑन होना है, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचा हाइट की है नॉर्मली हाइट से, जैसे बुलेट या एवेंजर होती है उससे थोड़ी सी हाइटेड बाइक है। ये किक स्टैंड पे, ये साइड स्टैंड पे खड़ी है मेरी बाइक, एंड तो मैं हॉप ऑन कर लिया हूँ लेफ्ट साइड से एंड बैलेंस कर लिया मैंने, एंड नीचे का स्टैंड देखिए मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने ऊपर कर लिया। ओके, तो देख सकते हैं दोनों पैरों से मैंने बैलेंस कर लिया है बाइक को, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिरर एडजस्ट कर लीजिए अपना। एंड तो कंट्रोल्स की बात करूँगा मैं, तो नॉर्मली स्कूटर में दोनों साइड में ब्रेक होता है, बट इसमें है लेफ्ट साइड में क्लच कंट्रोल होता है, राइट साइड में ब्रेक होता है, एंड ये जो नीचे वाला है वो रेयर व्हील का ब्रेक है, जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है नॉर्मली बाइक में। और इसमें देख सकते हैं ड्यूअल डिस्क वेरिएंट है ये मेरा बाइक का, तो इसका ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा है एंड विथ सिंगल चैनल ABS। तो ये फ्रंट ब्रेक है दोस्तों, जो कि बहुत पावरफुल होता है, और नॉर्मली बिगिनर्स राइड के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप नॉर्मली जो है राइट साइड का ब्रेक यूज़ करें, जो कि फ्रंट व्हील का ब्रेक है वो ज़्यादा यूज़ करें। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल्स के लिए दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स का कंट्रोल है, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स। ये हेडलाइट का स्विच, अपर डिपर स्विच देख सकते हैं। दूसरा ये पास का सिग्नल है, ये दबाएंगे तो फ्लैश होगी लाइट। एंड सेकेंड राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे इंजन किल स्विच है, क्विकली आपको इंजन किल करना है, मे बी आपकी बाइक गिर गई हो तो आपको इंजन क्विक किल करना है, तो ये इसका यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है कुछ सेकंड, तो फटाक से आपको इंजन बंद करना है, कुछ अगर पेट्रोल लीक हो रहा है जैसे बाइक अगर नीचे गिरती है तो इंजन किल का यूज़ काफ़ी इजीली यहाँ से कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे होता है। तो इंजन किल का मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये स्टार्ट का बटन है, एंड जो मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है, एंड देख सकते हैं फर्स्ट गियर पे मेरी बाइक है। नॉर्मली गियर कैसे होता है, फर्स्ट डाउन होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऊपर होता है, और सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में न्यूट्रल होता है। नॉर्मली गियर शिफ्ट कैसे होता है, वन डाउन ऊपर न्यूट्रल, देन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एंड कोई कोई बाइक में सिक्स होता है तो सिक्स में भी जा सकते हैं। ओके, डाल दी मैंने न्यूट्रल पे, देख सकते हैं अभी मैंने बाइक स्टार्ट कर ली, ठीक है। एंड जैसे कि मैं क्लच की बात करूँगा, जो कि मैंने डिफरेंस बताया बाइक और स्कूटी में क्लच का डिफरेंस होता है, बेसिकली दो टाइप के क्लच होते हैं, वेट क्लच एंड ड्राई क्लच। ओके, नॉर्मली ऑल द बाइक में वेट क्लच यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द रेस एडिशन बाइक होता है वहाँ पे ड्राई क्लच यूज़ होता है, तो नॉर्मली ऑल द बाइक्स में आपको वेट क्लच यूज़ होता है। वेट क्लच जो है नाम से ही लिखा है, जो उसका इंजन ऑयल होता है गाड़ी का वही यूज़ करता है क्लच, उसको फ्रिक्शन बनाने के लिए। तो जैसे देखेंगे ये मैंने ये होता है क्लच लीवर, तो मैं इसे जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो उसे क्लच एंगेज कहते हैं, एंड जैसे उसको रिलीज़ करूंगा तो उसको कहते हैं क्लच डिसएंगेज। तो ये एंगेज है और ये क्लच डिसएंगेज है। ओके दोस्तों, जैसे बाइक को मैंने स्टार्ट किया, क्लच को मैंने दबाया, क्लच को एंगेज किया। ओके,
एंड मैंने फर्स्ट गियर पे डाल दी ओके। और देखिए सर, पहले तो दोस्तों देखिए एक्सीलेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं अगर आपको फर्स्ट गियर पे डालते हो, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा क्लच रिलीज़ करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं बाइक मेरी ऑटोमेटिकली आगे जा रही है दोस्तों। देखते हैं विदाउट एनी थ्रॉटल देख पा रहे हैं दोस्तों, एंड थोड़ा सा अपवर्ड स्लोप होगा तो आपको थ्रॉटल का यूज़ करना होगा, थोड़ा थोड़ा थ्रॉटल दीजिएगा देख सकते हैं। जैसे जैसे थ्रॉटल दे रहा हूँ तो बाइक आगे बढ़ रही है दोस्तों। ऑल राइट देख सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे मैं क्लच रिलीज़ करूँगा बाइक आगे बढ़ रही है और देख सकते हैं, एंड मैं थोड़ा थोड़ा थ्रॉटल भी साथ में दे रहा हूँ देख सकते हैं। अभी सेकेंड गियर पर बाइक है और मैंने अभी फर्स्ट गियर पे थी, अभी मैंने सेकेंड गियर पे डाल दिया है, थोड़ा ग्रेजुअली मैंने स्पीड बढ़ा दी है दोस्तों देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। नॉर्मली आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकेंड थर्ड पे ही चलाइएगा, क्योंकि आपको क्लच का कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, क्लच की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। ये जो होता है वो मसल मेमोरी टाइप होता है, एंड नॉर्मली एज ऑन यू प्रैक्टिस तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आप सीख सकते हो ठीक है। आप अपने एरिया में ही चला के देखिएगा बाइक को, तो देख पा रहे हैं मैं इजीली एकदम कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने क्लच का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, थ्रॉटल पे चल रहा हूँ, सेकेंड गियर पे डाल दी है बाइक को और एकदम लीनियर स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, और क्लच दबाया एंड अप शिफ्ट कर दिया ठीक है। और अप शिफ्ट कब करना है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे RPM जैसे 3000 के ऊपर जाता है वैसे आपको अप शिफ्ट करना है ओके। एंड जैसे जैसे आपको ट्रैफिक दिख रहा है सामने रुक रहा है तो आपको स्टॉप करने के लिए ब्रेक दबाना है एंड टोटली डाउन शिफ्ट करना है। और नॉर्मली बाइक कार में कैसे होता है, आप फिफ्थ गियर से फर्स्ट गियर पे जा सकते हो, पर बाइक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको फिफ्थ गियर से फोर्थ थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट पे आना होगा, वन एट अ टाइम आता है ना कि फिफ्थ से फर्स्ट पे आएगा डायरेक्टली ओके। बहुत इजी होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड हार्ड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपके कार में जो होता है कंट्रोल आपके पैर में होता है, बट यहाँ पे देख सकते हैं आपके हाथ में कंट्रोल होता है, विच इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल। आपको सब पता है ब्रेक का कंट्रोल है, क्लच का कंट्रोल आपके हाथ में होता है ओके। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, जैसे जैसे आप नया सीख रहे हो तो नॉर्मली आप कैश करेंगे, आपको आदत नहीं है क्लच की राइट, तो आप पीछे का ब्रेक या जो कि रेयर व्हील का ब्रेक है वो कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, फ्रंट ब्रेक यूज़ कीजिए जो कि पावरफुल हो। एंड ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे आप सीखेंगे तो वैसे वैसे आप गियर भी देख सकते हैं, बाइक राइडिंग गियर भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गिरते हैं आपको कुछ एक्सीडेंट होता है तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे देख सकते यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहन लिया है तो काफ़ी स्टर्डी है एंड काफ़ी डिसेंट है, आपको एक अच्छा सा प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी देख सकते राइडिंग जैकेट पैंट तो आप ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो 100+ किलोमीटर के लिए, ये सबको एक साथ सब नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा आप जैसे जैसे कुछ महीने हो जाएंगे वैसे आप वैसे एक एक चीज़ें ले सकते हो ओके। एंड अच्छा हेलमेट आपको लेना है ताकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, तो वो एक अच्छा सा एक ISI मार्क्ड हेलमेट लीजिए, उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस करिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि बाइक का फ्रंट एंड बैक व्हील दोनों का एयर प्रेशर चेक करना है एंड सर्विसिंग बराबर हुई है कि प्रॉपर किलोमीटर या प्रॉपर टाइम इंटरवल में, वो भी आपको चेक करना है ठीक है। तो यस, एंड सेकेंड ये जो है दो स्टेप बता दिए, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द बाइक एंड कैसे क्लच यूज़ करना है वो आपको मैंने बता दिया ठीक है। आप देख के तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, आपको हाथ में तो लेना होगा बाइक को, कोई भी बाइक लीजिए, फ्रेंड की या नई बाइक भी ले सकते हैं। ये जो मैंने है अपनी बाइक जो है नई सीखी है एंड सम ऑफ द फ्रेंड से थोड़ी सी मदद ली है कुछ फ्यू किलोमीटर चलाने के लिए, बाकी सब अपने आप से ही सीखा है मैंने, किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, नॉर्मली अपने एरिया में ही मैं चलाता था एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, आप खुद अपने ट्यूटर हो, आपको पता है आपको कितना आता है आपको कितना नहीं आता है, प्रॉपरली आप अपना कंट्रोल रख सकते हो बाइक पे ठीक है। जैसे जैसे आप अपने एरिया में चलाएंगे वैसे वैसे आप थोड़ा टाइम होने के बाद हाईवे पे भी निकाल सकते हैं ठीक है। एंड थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा हिल क्लाइंबिंग, हिल पे कैसे यूज़ करना है क्लच कंट्रोल वो आपको मैं अभी बताऊँगा। जैसे जैसे हिल पे जाएंगे तो आपको दोनों का यूज़ करना है, हिल ट्रैफिक में स्पेशली क्लच यूज़ करना है, साथ ही साथ ब्रेक भी यूज़ करना है, क्योंकि जैसे आप हिल पे होते हो ठीक है
तो आप जैसे क्लच दबाते हो तो बाइक जो है वो क्लच जो है डिसएंगेज करता है इंजन से और तो वो रोल हो जाता है पीछे बाइक, तो उसको आप नहीं होने के लिए रोल नहीं होना चाहते तो ब्रेक भी साथ में दबाना होगा। तो जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है तो साथ में क्लच दबाएंगे एंड ब्रेक भी साथ में दबाएंगे क्योंकि आपको रोल ओवर नहीं होना है पीछे एंड थोड़ा एक्सीलरेटर भी देना है, ठीक है। देख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आगे करने की कि यहाँ पे तो ओपन है, ट्रैफिक नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे देख लिया मैंने, फर्स्ट गियर पे डाल दी बाइक एंड मिरर चेक कर लिया, पीछे से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाइक मैंने चालू कर दी एंड मैं निकल पड़ा हूँ, ठीक है। सेकेंड गियर पे डाल दिया मैंने, पीछे मैं चेक कर रहा हूँ। थर्ड गियर पे डाल दिया मैंने, फोर्थ गियर पे डाल दिया है मैंने, फिफ्थ गियर पे डाल दिया है मैंने। यहाँ पे देख सकते एकदम लीनियर एक्सीलरेशन कर रहा हूँ मैं, एकदम स्मूथ के साथ, कुछ ऐसा टिकटैक नहीं कर रहा हूँ, एकदम स्मूथ की सीधा सीधा चला रहा हूँ, देख सकते हैं। दिस इज अ गुड वे टू लर्न एनी मोटरसाइकिल जो कि गियर वाली होती है, ठीक है। एंड देख सकते जैसे मैं खुला दिखा, मैंने क्लच तोड़ दिया। क्लच पे आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला है वरना आपकी जो क्लच प्लेटें हैं ना वो बर्न हो सकती है।